गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी और वीडियो एकदम शानदार नजर आ रही होगी लेट स्टार्ट द वीडियो आज का जो वीडियो है ना ये आपका ट्रांसपोर्टेशन uh, सिस्टम जो आपने कल किया था उसी का ही सेकेंड पार्ट है उसी का ही दूसरा भाग है ये वाला जो पार्ट है मतलब आज का जो पार्ट है वो आपका एयरपोर्ट वाला काम और नेशनल वाटरवेज को कवर करेगा देखिए भारत के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट वन डे एग्जाम्स होते हैं वन डे एग्जाम का मतलब हो गया कि एक दिन में आप पेपर देने गए और हो गया राइट right, वैसा नहीं है जो काफी दिनों तक चल रहा है उन पेपर की हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे कोई भी जो है या ऐसे कोई भी एग्जाम है आपके जो वन डे एग्जाम होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाया ही जाता है या क्वेश्चन लिया ही जाता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके रेलवे रोड आपकी बसेस एयरपोर्ट्स और आपके पोर्ट्स और साथ में आपका यहाँ पे नेशनल वाटरवेज नेशनल वाटरवेज आप लोगों के लिए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रूज चलाई गई थी जिसको आपका एक वाटरवेज टूरिज्म के नाम से उसको

एग्जैक्टली ये है सेवन यानी कि इससे पहले छह सेट हम कवर कर चुके हैं इनका पीडीएफ आपको मिल चुका है सब कुछ कंप्लीटेड है अब आप जस्ट जो है ना रिवाइज कर लीजिए पीछे वाला कल का पीडीएफ आपको मिला नहीं है आप लोगों को मिल गया है ना पीडीएफ कल वाला आपको नहीं मिला है ट्रांसपोर्टेशन का वन एटी के साथ आपका एक पीडीएफ था जिसमें थ्योरी दी गई थी वो पीडीएफ आपको नहीं मिली है क्या बात कर रहे हो पे पे आप कहां पे? आप क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे जाके देखो आपको पीडीएफ मिल गई है देखिए पीडीएफ के लिए ना आपका मेन सोर्स है क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन उस क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे जाइए वहां पे आपको पीडीएफ जो है ना वो नजर आएगी तो आपकी मेन पीडीएफ जो है वो क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे आती है तो वहीं पे जाके देखिए है ना पीडीएफ आपको अपडेट हो गई है जल्दी से बता दीजिए पीडीएफ आपको मिल गई है कल वाली क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे मिल गई है ये बता दीजिए क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे मिला है या नहीं मिला है कल की पीडीएफ मिल गई है की नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड पहली बार जो लोग सिर्फ टेलीग्राम पे जाके ढूंढते हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे आपको जाके ये पीडीएफ मिलने वाली है ठीक है चलिए यूट्यूब का आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा ये हम करवा देते हैं जी ऐप पे मिली है आपको पीडीएफ सबसे पहले आपका का जो है, कई बच्चे कि आप जीके करा रहे हो नहीं करा रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पे हम केमिस्ट्री के साथ शुरू कर चुके थे और अभी जल्दी केमिस्ट्री के बस मेरे पास लास्ट थ्री चैप्टर्स बचे हुए केमिस्ट्री आपकी ओवर हो जाएगी नेक्स्ट वीक यानी कि फ्राइडे ट्वेंटी एट तक पहले कोशिश होगा कि केमिस्ट्री पूरी हो जाए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री टॉपिक वाइज एमसीक्यूज काफी सारे बच्चे यहाँ पे क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे जो साइंस क्लास लिए हुए हैं वो भी हैं वो भी कंफर्म कर सकते हैं जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे है ना उनसे भी आप कंफर्म कर लो सारी चीजें आपके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको सारे मिल जा रहे हैं और क्लास 24 के लिए अगर आप एएलपी कोड लगाते हो यानी कि साइंस की क्लास के लिए एएलपी कोर्स लगाते हो कोड लगाते हो एएलपी तो यही क्लास आपको 499 में मिलने वाली है ठीक है पांचवी जो है वो मैं अपडेट करा दूंगी अगर फिफ्थ वाली अपडेट नहीं हुई है तो अपडेट हो जाएगी आप क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहां पे प्रिपरेशन में जाएंगे वहां पे आपको ऑल में जाके जो है वो बाय नाउ करना है और बाय नाउ करते हुए जब वो आपसे पूछेगा कोड क्या है तो आप एएलपी कोड लगाना सीधा फिफ्टी परसेंट डिडक्शन है और फोर नाइनटी नाइन में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है अच्छा आज की ताजा खबर है ना आज की ताजा खबर क्या है यहाँ पे आज की ताजा खबर कि दादा साहेब फालके पुरस्कार मिले हैं तो मैं पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने से पहले ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट जो है ना वो शुरू करने से पहले आज की ताजा खबर पे बात कर लेते हैं दादा साहेब फालके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दो ये अभी सम्मानित कल आपके किए गए हैं ये हुआ था बॉम्बे के अंदर आपके रिसेंट क्वेश्चन में सारा का सारा पार्ट यहाँ से कवर होगा दादा साहेब पालके की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भारतीय सिनेमा के पितामा के रूप में इनको जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भारत में पहली बार राजा हरिश्चंद्र मूवी जो बनी थी वो दादा साहेब फालके के द्वारा 1913 यानी कि स्वतंत्र भारत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं के अंदर दादा साहेब फालके जी का निधन हो गया था उससे पहले यानी कि आजादी के पहले सारी मूवी बनी हुई है 1913 में भारत की फुल लेंथ मूवी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र उसको उन्नीस में पंद्रह मात्र पंद्रह के बजट से इस मूवी को बनाया गया था दादा साहेब पालके जी का जन्म जो हुआ था वो तीस अप्रैल अठारह को नासिक के निकट त्रंबकेश्वर में हुआ और दादा साहेब ने 16 फरवरी 1944 को उनकी मृत्यु हो जाती है और भारतीय सिनेमा के जो स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी उसके लिए दादा साहेब पालके जी को सम्मानित करने के लिए 1969 में भारतीय सरकार के द्वारा एक अवार्ड घोषित किए जाते हैं जिनको दादा साहेब पालके इंटरनेशनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के नाम से जानते हैं तो दादा साहेब फाल्के की पहली मूवी कौन सी तारीख को थी 1913 मतलब कौन से साल में थी 1913 मूवी का नाम क्या था राजा हरिश्चंद्र 1944 16 फरवरी को दादा साहेब फाल्के जी की मृत्यु हो जाती है और 1969 में भारतीय सिनेमा को शुरू करने के लिए या अपना एक योगदान देने के लिए दादा साहेब फाल्के के नाम पे पुरस्कार सम्मानित किए जाते हैं जिसको बोला जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसकी शुरुआत के दिनों की मैं अगर बात करूं तो जो दादा साहेब फाल्के जी के द्वारा मूवीज बनाई गई थी उसमें सबसे पहली राजा हरिश्चंद्र मोहिनी भस्मापुर सावित्री सत्यवन लंका दहन श्री कृष्ण जन्म कालिया मर्दन कंसवध शकुंतला संत तुकार भक्त गोरा भक्त प्रहलाद भक्त सुदामा और हनुमान जन्म मैक्सिमम आपको मूवीज जो है वो सारी की सारी भगवान से रिलेट ही नजर आ रही हैं सारी मूवी भगवान जी के नाम पे ही है यहाँ पे राइट right. अगर बात करें सबसे पहली बार जब 1969 में दादा साहेब पालके पुरस्कार सम्मानित किए गए थे तो पहली बार किसी फीमेल को दिया गया था जिनका नाम था देविका रानी जी देविका रानी जी को पहली बार 1969 में सेवनटीन जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ था वहां पे ये पुरस्कार सम्मानित किया गया था अब आप याद रखिएगा जो फिल्म जो आपका नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ना नेशनल फिल्म फेस्टिवल नेशनल फिल्म फेस्टिवल सेवनटींथ नेशनल नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो था वही जो है वो पहला दादा साहेब फालके पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो सेवनटींथ नेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर पहला दादा साहब फिल्म पुरस्कार दिया गया था तो 1969 में पहली बार देविका रानी जी को बीएन सागर पृथ्वीराज कपूर 1972 में लगातार दिए जा रहे हैं 69, 70, 71, 72, 72 73, 74, 72 में पंकज मलिक जी को रूबी मेयर्स सुलोचना अभिनेत्री 1974 में फिल्म निर्देशक तो यहाँ पे होंगे सारे लोग फिल्म से रिलेटेड ही लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्टर या एक्ट्रेस को दिया जाए संगीतकार हो सकते हैं फिल्म निर्देशक भी हो सकते

2019 में रजनीकांत जी को और 2020 में आशा पारेख जी को ये अवार्ड जो है वो सम्मानित किए गए आखिरी आपको लर्न करना है आशा पारेख जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है अब अगर 2023 यानी कि इस साल के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो जो बेस्ट मूवी है वो द कश्मीर फाइल को अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर मैं आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे बताऊं सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी द कश्मीर फाइल्स है फिल्म ऑफ दर आर 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 है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेता रणवीर कपूर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट मतलब अगर पूरी सोशल मीडिया में किसी के लिए भी मजाक उड़ रहा है ना तो इन तीनों के लिए उड़ रहा है ठीक है मतलब आपको ब्रह्मास्त्र में रणवीर सिंह रणवीर कपूर की जो एक्टिंग है ना माशाल्लाह गजब ढागी आज तक किसी ने ना इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की और पूरे भारत वर्ष में 2022 में जितनी भी पिक्चर बनी है, है शायद सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग रणवीर सिंह ने की थी रणवीर कपूर ने की थी मतलब ना आपके कहा आरआरआर फिल्म के लोग नजर आ रहे हैं आपकी आर मूवी को बेस्ट मूवी आपने बोला है उसमें जो एक्टिंग की है रामचरण या एन जूनियर ने फॉर देट मैटर कंतारा मूवी में ऋषभ शेट्टी का जो लास्ट के पंद्रह मिनट है ना अनबीटेबल मतलब ऋषभ शेट्टी के सिर्फ लास्ट के पंद्रह मिनट शायद रणवीर कपूर के पूरे करियर में आज तक रणवीर कपूर ने वो एक्टिंग नहीं की होगी जो ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ लास्ट के पंद्रह मिनट कर दिया है है ना इसको लेके इतना ज्यादा सोशल मीडिया में आपको चल ही रहा होगा और उससे भी ज्यादा कमाल की बात है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आ, आ, कौन है आलिया भट्ट गंगूबाई खटिया गंगूबाई गं, खटियावाड़ी अब ये कटियावाड़ी में तो मूवी में अच्छी एक्टिंग की थी लेकिन लोग ये जाने भी ना कि किस अवार्ड किस किस मूवी के लिए अवार्ड दिया गया है सिर्फ एक ही लाइन लिख रहे हैं शिवा 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 तुम्हें अवार्ड मिल गया क्या शिवा शिवा तो जो आपकी ब्रह्मास्त्र मूवी थी उसमें आलिया भट्ट की जो बोली जाती है एक्टिंग वो सिर्फ वहीं तक लिमिट थी तो पूरी मूवी में तीन बार उन्होंने शिवा बोला उसके अलावा शायद कोई एक्टिंग जो है वो की नहीं कहते हैं कि मतलब एक लाइन थी जो मुझे काफी लगी इसमें पूरे में कि दादा साहेब पालके अवार्ड भी इतने चीप हो गए हैं कि ऐसे लोगों को भी मिलने लगे हैं एक्टिंग का ए अभी जिनको सीखना बाकी है उनको ये अवार्ड मिल गया बट डिस्पाइट ऑफ द पॉलिटिक्स गोइंग बिहाइंड हमको ये लर्न करना ही पड़ेगा सो so, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट यहाँ पे क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन ये भेड़िया मूवी कब आई कब चलेगी जनता को याद भी नहीं है ना क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बाल की चुप मूवी के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफर पी एस प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी चलो एटलीस्ट यहाँ तो रिकॉग्नाइज किया ही गया सहायक भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनीष पॉल ये यह यहाँ पे अवेलेबल थे आपके मूव इस टाइम पे यहाँ पे थे है ना पार्श्व गायक महिला नीति मोहन के लिए मेरी जान गंगूबाई का ही गाना है यहाँ पे उसके लिए जो है वो बोला जाता है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर कश्मीर फाइल के लिए जो है ना यहाँ पे ऐसा याद रखिए कश्मीर फाइल करके बोला जा रहा है वर्ष की टेलीविजन श्रृंखला आपकी इसमें मूवीज के अलावा जो टीवी सीरीज है उनको भी इंक्लूड किया जाता है टेलीविजन सीरीज में अभिनेत्री मतलब तेजस्वी प्रकाशन को कौन से नाटक के लिए नागिन के लिए मैं सिर्फ आपको ये लर्न करा रही हूँ क्योंकि आगे, आगे आपके एग्जाम जो आएंगे उसमें दादा साहब फालके पुरस्कार से संबंधित चीजें आपसे पूछी जाती है अपार्ट फ्रॉम दिट ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो आपकी जो यहाँ पे लिमिट है है ना अवार्ड्स की वो कहां तक आ गई चलिए कोई बात नहीं संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फालके अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 हरी हरण करके याद रखिए ठीक है अब बात करते हैं अपने चैप्टर की हिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया जो आपका लास्ट मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक है यहाँ पे सो यस वर्ल्ड्स फर्स्ट अगर मैंने जैसे कल आपको ट्रेन के 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 लिए 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 रेल सब कुछ बताया था वैसे आप सिविल एविएशन याद रख लीजिए भारत के अंदर पहली बार अगर कोई भी पोस्ट या फिर सिविल एविएशन का इस्तेमाल किया गया था तो वो अठारह फरवरी उन्नीस को कुंभ के मेले में किया गया था इलाहाबाद से नैनी का जो टोटल डिस्टेंस है दस किलोमीटर उसको कवर करके पहली बार भारत के अंदर 1911 में एयर एयर सर्विसेज का या सिविल एविएशन का शुरुआत किया जा रहा है ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपको हम 1911 हंड्रेड इलेवन की बात करें इसलिए जे आर डी रतन टाटा जी का यहाँ पे नाम नहीं लीजिए क्योंकि हम 1911 की बात कर रहे हैं पहली बार भारत के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट जो आई थी वो आई थी आपकी दिसंबर 1912 में रूट क्या था उसका लंदन कराची दिल्ली करके आप याद रखिये और इसकी जो कोलेबरेशन की गई थी वो आपकी इंडियन स्टेट एयर सर्विस प्लस में यूके के यूके बेस्ड के इंपीरियल एयरवेज के नाम से जाना जाता है यहाँ पे आते हैं आपके जे आर डी टाटा इनका पूरा आपका जो सिविल एविएशन का जो लाइसेंस बनता है या जो आई डी कार्ड बनता है वो आपके सामने है ठीक है जहांगीर रतन डी टाटा पेरिस के लिए इनको पूरा ये लाइसेंसिंग इनको 1904 में मिल जाती है लेकिन पहली बार 1929 ट्वेंटी नाइन वर्मा क्लब के अंदर इनके द्वारा यानी कि रतन टाटा जी के द्वारा पहली बार जो है वो क्या चलाई जाती है फ्लाइट जो है वो चलाई जाती है अब इस पूरे सीक्वेंस में आप महिलाओं को कहीं पीछे नहीं रखिए 1932 यानी कि आज़ादी से पहले उर्मिला के पारे देखिए हमारे पास ना आज़ादी से पहले की कई ऐसी तस्वीर है जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हमें जिस तरीके से आज़ादी हमने अटेंड की या जिस तरीके से हमने आज़ादी अपनी पाई क्या वो सिनारियों बिल्कुल ठीक था या वो सीनारियों गलत है क्या है एक तरफ तो हमें लगता है कि सैतालीस से पहले भारत बहुत ही ज्यादा दुखी था है ना यही दिखाया जाता है 1922 में हम ये मूवमेंट कर रहे हैं उन्नीस uh, में ये चल रहा है है ना जलिया वाला बाग हो रहा है 1919 19 में उसके अलावा और एक तरफ आपके ऐसी फोटोज आती है सिविल जो लेफ्टिनेंट कर्नल शैलमेर ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं 1931 में पहले डीजीसीए के आपको जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम याद रखना पड़ेगा पहले जो है वो डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट कर्नल शैलमेरडिन और ये आपको जो फीमेल यहाँ पे नजर आ रही है ये है उर्मिला के पारिक ये भारत की पहली वुमेन है जिनको पायलट का लाइसेंस मिलता है जब उनको एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा के द्वारा ये लाइसेंस जो है वो यहाँ पे दिया गया था ठीक है ये सब आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब मैंने आपको ऐड भी कर दिया 1948 में प्रेम माथुर पहली महिला कमर्शियल पायलट बनती हैं आजादी के तुरंत बाद यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल सिविल एविएशन मिनिस्टर आज की डेट में आपके ज्योतिरा देते सिंधिया 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो कि इंडियन एयर फोर्स के थे वो पहले कॉस्मोनॉट बनते हैं और 138th मैन इन स्पेस अच्छा ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राकेश शर्मा जी स्पेस में जाने वाले किस नंबर के पर्सन तो 138 करके याद रखिएगा यहां पे 8 दिन जो है वो आपके स्पेस में निकाल रहे हैं नेक्स्ट आपका 1985 1985 के अंदर कैप्टन सौदामिनी देशमुख ये फर्स्ट ऑल वुमेन ऑल वुमेन क्रू फ्लाइट एफ ट्वेंटी सेवन मतलब पूरी तरीके से महिलाएं हैं इसके अंदर उसको कैरी कर रही हैं और एयरक्राफ्ट जो है वो आईए एफडीए का एयरक्राफ्ट है कैप्टन सुदामनी देशमुख एंड कैप्टन निवेदिता भसीन ये आपके बीच 737 में ऑल वुमेन क्रू फ्लाइट 1989 इंडियन एयरलाइंस कैप्टन उसको यहाँ पे चला रही हैं 1989 तो अभी भारत के अंदर कुछ ऐसा है कि आपका पूरा सिस्टम में फीमेल पायलट जो है उनका नंबर इंक्रीज हो गया है इसी के साथ आपको एन, आ, एन ए ए का भी याद रखना है नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएएआई का 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जिसके साथ 1998 में भारत का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट कोचीन में बनाया गया अच्छा एक चीज याद रखिएगा सिविल एविएशन की रैंक में मतलब कितना आपका जो एयर ट्रैफिक है वो भारत की रैंक बहुत अच्छी नहीं है 48 नंबर पे आते हैं लेकिन सिविल एविएशन के मार्केट में भारत जो है वो 2017 से लेके अब तक जो है वो तीसरे नंबर पे सिविल एविएशन मार्केट का मतलब क्या है कि आप कितने प्लेन्स खरीदते हैं कितना प्लेन्स आपके कंट्री के अंदर बन रहे हैं कितने पायलट्स हैं ये सारी चीजें है ना मार्केट मतलब आप बाहर से कितना खरीद रहे हो जिसमें आपकी जो अभी लेटेस्ट डील है वो भी शामिल हो जाएगी 470 सौ सत्तर एयर बसेस की और जो आपके अमेरिका और फ्रांस से बोइंग से लिए जा रहे हैं तो भारत में सिविल एविएशन मार्केट दो, आज से नहीं 2017 से थर्ड लार्जेस्ट मार्केट जो है ना वो यहाँ पे चलने लग रहा है और वन मिलियन पैसेंजर दो के डेटा में थे अब आपकी जो डेटा है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आप ये समझ लीजिए कि दो हजार है दो हजार बाईस का है 131 को मैं एग्जैक्टली ट्रिपल या मल्टीप्लाई बाय फोर कर सकती हूं आज की डेट में 500 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो भारत के अलग अलग एयरपोर्ट्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं चाहे डोमेस्टिक है चाहे इंटरनेशनल हो भारत में एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो 187 परसेंट टाइम जो है वो ग्रो कर चुकी है भारत के अंदर आप अगर एविएशन मिनिस्ट्री की बात करोगे तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट में से शामिल कर लिया गया हालांकि अभी भारत एयरपोर्ट के मामले में चाहे आपको एयरपोर्ट भारत के कितने ही सुंदर दिखते हो लेकिन फिर भी दुनिया के मामले में अभी इतना अच्छा नहीं है मैं आपको एक चाइना के एयरपोर्ट की बात बताती हूँ जब आप लैंड करते हैं चाइना और हांगकॉन्ग के लिए फ्लाइट लेते हैं तो जो चाइना के एयरपोर्ट जहां से हांगकॉन्ग की फ्लाइट ली थी वो एक एक घंटा लग गया था इधर से उधर ट्रैवल करने में मतलब टू द जो आपका बीच में आते हैं ना एक एक वन स्टॉप और ये सारा उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें याद रखनी है आप जरा क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आज का पहला question आपकी स्क्रीन पे जरा बता दीजिए। आपको जो मैं थ्योरी दे रही हूं ना उसको भी ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा। कल वाली जो है, वो class 24 application पे अपडेट हो चुकी है वहां से आपको लेनी होगी और आज की भी क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन पे ही जाएगी द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कोंकण रेलवे आज की डेट में अगर मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि कोंकण रेलवे की कुल लंबाई जो है वो कितनी है तो कितनी लर्न करनी है आपको कोंकण रेलवे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोंकण रेलवे भारत की सबसे सुंदर रेलवे लाइन में से बोला जाता है और ये रेलवे लाइन जो है वो शुरू होती है आपके महाराष्ट्र से गुजरात नहीं आंसर लिखिएगा कि कहां से शुरू होती है गुजरात से नहीं महाराष्ट्र गोवा को कवर करते हुए कर्नाटक पे जाके खत्म हो जाती है ठीक है और ये रेलवे लाइन जो है वो पैरेलली फ्लो करती है किसके अरब के सागर के अरब सागर अरेबियन

1986 को भारत का इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको सेटअप किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित राज्यों विकसित शहरों में से बोला जाता है लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर हाईवे ऑफ इंडिया बताइए भारत में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर वाटर हाईवे जो है वो कौन सा है भारत का तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज की डेट में जो हम काउंट करते हैं वो वाटरवेज आपके काउंट करते हैं एक और 16 नए वाटर वे जो हैं वो अभी आपके लाइन अप हैं यानी कि उनके ऊपर काम चल रहा है तो आज की तारीख में जब मैं आपको 21 फरवरी 2023 को खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे रही हूं तो आप लोग याद रखिये की एक सौ ग्यारह जो हैं वो आपके बनके तैयार हो चुके हैं अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने किया है आंसर वो किया है बिल्कुल गलत आपके हिसाब से नेशनल वाटर वे वन जो कि गंगा का वाटर वे गंगा वाटर वे बोला जाता है वो है यहाँ पे बिल्कुल गलत आंसर देखिए नेशनल वाटर वे अब तक का सबसे बड़ा वाटरवे बोला जाता था लेकिन अब आपके पास नेशनल वाटर हाईवे नंबर फोर ये कंट्री का लॉन्गेस्ट वाटरवे बन गया है विद दी टू एट नाइन जीरो किलोमीटर तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आप किसी से भी पूछो आज की डेट में आप किसी से भी पूछो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा है हर कोई आपको नेशनल वाटरवे वे ही बताएगा जिसकी लंबाई सोलह ही किलोमीटर है मेरे ख्याल अस्सी भी नहीं है सोलह सो बीस किलोमीटर का है सोलह सो बीस किलोमीटर का नेशनल हाईवे वन जो है यह भारत का दूसरा सबसे लंबा है पहला जो हाईवे है सबसे बड़ा नेशनल वाटर हाईवे नंबर फोर इज दार्जेस्ट हाईवे विथ टू एट नाइन जीरो किलोमीटर ठीक है अब ये कहा से कहा जाएगा इसको पूरा सुन लो काकी पुडुचेरी स्ट्रेस इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है काकी नादा पुडुचेरी स्ट्रेस काकी नादा पुडुचेरी पुडुचेरी स्ट्रेस पुडुचेरी स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेस नहीं स्ट्रेच करके इसको टर्म करेंगे मैप भी शायद मैंने लगाई है यहाँ पे देखिए आपका जो पहला है 1620 नेशनल हाईवे वाटर वन सेकंड आपका 891 का है सेकंड जो है थर्ड uh, जो है थ्री नाइन थ्री सिक्सटी फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पे गोदावरी कृष्णा नदी को कवर करता हुआ काकी नादा से शुरू होता है यहाँ पे और पुडुचेरी पे खत्म हो रहा है मैप देख पा रहे हैं ये मैप आपका मैं लगा के दे दूंगी आपकी पीडीएफ में तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा नदियां जो दो आपके नेशनल वाटरवे में कवर हैं फोर में वो है गोदावरी और कृष्णा ठीक है काकीनाडा कैनाल से शुरू हो रहा है बीच में एलोरी कैनाल भी, भी आ रही है और पुडुचेरी पुडु विजयवाड़ा जो स्ट्रेच है वो भी इंक्लूड किया जाता है मतलब वन का जो ये है इसको एक्सटेंशन जो दिया गया है तो कृष्णा से वजीराबाद वजीराबाद से गलगाली ये छह मीटर का है और रिवर गोदावरी से लेके आपका भद्र चलम, भद्र चलम गोदावरी वाला भद्रचल से लेके नाश, ये लेकर एक, एक, आठ चार किलोमीटर का पूरा पार्ट कहा जाता है शुरू से से हो रहा है से। दूसरे नंबर पे गोदावरी का जो भद्रचलम राजमुंदरी वाला पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं फिर आपका एलूरी आ गई है एलूरी कैनाल के बाद कमानूर कैनाल है जो यहीं पे बीच में आ रही है फिर बकिंगम कैनाल आती है साउथ बकिंगम के नाम से मरकाम के नाम से पुडुचेरी और पुडुचेरी पे जाके ये पूरा एंड हो जाता है तो आज के बाद इस क्वेश्चन को याद रखेंगे यहाँ पे कि आपका ला, हाई लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ नेशनल वाटरवे हाईवे कौन सा है हाईवे नंबर चार शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवे कौन सा है बताइए विच ऑफ दी शॉर्टेस्ट नेशनल वाटरवे हाई वाटर हाईवे ऑफ इंडिया मतलब अगर सबसे बड़ा आपका एन हो चुका है तो सबसे छोटा से पांच किलोमीटर लॉन्ग तमिलनाडु का एनडब्ल्यू एच सिक्सटी नाइन जो है ये कहां पे लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर और तमिलनाडु के अंदर ये नेशनल वाटर हाईवे खाली पांच किलोमीटर का है मात्र पांच किलोमीटर का है तो ये आपका भारत का सबसे छोटा हाईवे बोला जाता है और इसके बाद सेकेंड जो शॉर्टेस्ट है वो वाटर वे ट्वेल्व बोला जाता है कौन सा ट्वेल्व ठीक है तो ऐसे करके आप याद रख लो नेशनल वाटर हाईवे 69 जो है वो सबसे छोटा है पांच किलोमीटर का है उससे बड़ा आपका 12 वाला बोला जाता है आउट ऑफ टोटल 111 नेशनल वाटरवे हाउ मेनी नेशनल वे नेशनल वाटरवे आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है पीछे जो 2022 में अह सीजीएल में तो टीयर 1 में नहीं पूछा था मेरे ख्याल ये सीजीएल CHSL का पेपर आप लोगों ने दिया है CHSL या CGL के किसी एग्जाम में ना आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जैक्टली exactly ये इसीलिए मैंने इसको बहुत प्रसाइज़ली उतारा कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपके लोकेटेड हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने लगाने हैं आपको 20 कितने लिखने हैं 20 नौ इसमें सबसे ज्यादा आपका जाता है ये आपका सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है लोगों का या जो आपके सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वाटरवे वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का ही यूज किया जा रहा है ठीक है चलिए लेंथ ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइटोर कॉरिडोर कॉरिडोर की जो लेंथ है वो कितनी है अच्छा फ्राइट कॉरिडोर होते क्या है आप पहले तो मुझे ये बता दीजिए इस इस चीज का आंसर देने से पहले फ्राइट कॉरिडोर क्या होते हैं देखिए कोरोना में ना आपने कई बार कोरोना के टाइम पे आपने कई बार एक स्टेटमेंट सुना होगा कि आपकी भारत की वैसे ट्रेन जो हैं वो बंद हैं लेकिन आपके डेडिकेटेड कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डी एफ सी सी आई एल ये काम कर रही है लगातार क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगी तो आपके घर में जो गुड्स आने हैं जो सामान आना है वो नहीं आ पाएगा ठीक है जो आपका मटेरियल है वो नहीं आएगा माइनिंग जो हो रही है लगातार देखिए पूरे कोरोना में माइनिंग कभी बंद नहीं हुई थी कोयला या ये जो आपकी जो आपकी खनन किया जाता है वो चल रहा था तो डेडिकेटेड जो हैं वो किनको बोलते हैं जो आपकी ट्रेन ऐसे रूट जो है जो डेडिकेटेडली किसके लिए चली है मालगाड़ी के लिए मतलब इसको मैं आम भाषा में बोलूं तो ये आप क्या क्या बोला जाएगा ये बोली जाएगी मालगाड़ी क्या बोली जाएगी मालगाड़ी ठीक है तो वो सामान लेने का काम करती है अब आपका जो फ्राइट कॉरिडोर है इसके लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खुद आके इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की गई थी अब इस कॉरिडोर में आपके पास दो पार्ट है एक को हमने बोल दिया है ईस्टर्न पार्ट कॉरिडोर या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और एक हो गया है आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर अब नॉर्थ की जो है ना वो तैयारी यहाँ पे हो रही है राइट नॉर्थ की जो है वो तैयारी यहाँ पे हो रही है तो आजकल का जमाना यही हो गया है कि लोग जो है ना वो गूगल से मतलब गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है ठीक है देखिए मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करती मैंने आपको ये बोला कि नेशनल वाटरवे वन जो है वो आपको अगर लगता है कि लॉन्गेस्ट है आप आपको बता दिया अब बाकी तो इतना तो आप भी समझदार है ना क्या आंसर टिक करके आना वो आपकी मर्जी है बाकी लोग समझ गए ना मैंने आपको क्या बताया था तो गुड स्ट्रेन जो है उनको आप प्राइट कॉरिडोर के नाम से जानते हो और ये यहाँ पे क्या है ईस्टर्न और वेस्टर्न दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अगर मुझे आपसे सिर्फ ईस्टर्न कॉरिडोर की जो आपकी ईस्टर्न कॉरिडोर जो है ना उस ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर की मुझे आपसे लेंथ पूछनी होगी तो कितना है एटीन फिफ्टी सिक्स अठारह सो छप्पन किलोमीटर की पूरी लंबाई है आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होके ये गुजरता है याद रख लीजिएगा ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो आपके छह राज्यों से होके यहाँ पे गुजरता है जिसमें आते हैं आपके वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब दादरी वाला जो एरिया है पंजाब हरियाणा ऐसे करके आपके पंजाब हरियाणा यूपी बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल ऐसे करके आपकी छह स्टेट्स हैं जिनसे होके ये ईस्ट कॉरिडोर जो है वो गुजरता है इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए

झारखंड वेस्ट बंगाल तो आप लाइन समझ ही गए होंगे इस तरीके से राइट पंजाब से शुरू हुआ फिर हरियाणा गया हरियाणा से यूपी गया यूपी से बिहार झारखंड झारखंड से वेस्ट बंगाल तो छह स्टेट आपको लर्न हो गए ठीक है अभी बताइए वेस्टर्न डीएफसी कितने स्टेट से होके पास करता है कितने स्टेट से होके गुजरता है ईस्टर्न जो है वो वेस्टर्न से बड़ा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की जो लेंथ है वो आपने क्या पढ़ी अठारह किलोमीटर ठीक है कभी कभी तीस भी लिखा होता है आपका कहीं कहीं पे अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर की लंबाई जो है वो 1506 किलोमीटर कही जाती है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर छह राज्यों से होके पास करता है सेम आप याद रख लीजिए वेस्टर्न वाला भी वेस्टर्न भी छह राज्यों से होके पास करता है जिनमें से उत्तर प्रदेश हरियाणा जो है वो कॉमन है तो आपका जो ईस्टर्न वाला है वो ईस्ट भाग को चला जाता है यानी कि वेस्ट बंगाल को चला जाता है इस तरीके से और जो वेस्ट वाला है वो इधर मतलब ईस्टर्न ईस्ट को चला गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइडो को फ्राइट कॉरिडोर जो है वो वेस्ट की तरफ आ गया इसमें आपका यूपी हरियाणा राजस्थान गुजरात एंड महाराष्ट्र आएगा तो यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र कवर हो गया यहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल आपके उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है वो यहाँ पे कॉमन ही बोले जाते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है वो कॉमन है उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना दोनों की लेंथ मिला के तकरीबन तकरीबन आपकी टू एट फोर थ्री किलोमीटर के आसपास बोली जाती है भारत सरकार इसके लिए बहुत पैसा खर्च करी है नॉर्थ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी आपके बनके तैयार होने वाले हैं और इसका पूरा 6000 किलोमीटर के आसपास की पूरी लेंथ इसकी डेडिकेटेड कॉरिडोर की आपकी शुरू हो रही है याद रखिए पूरे कोरोना में जो ट्रेन आती थी ना आपकी भर भर के इनमें कुछ सामान आ रहा है लोग जो है वो देखने जाते थे उन ट्रेन को मालगाड़ियों को ये वही मालगाड़ियां है जो सामान एकदम ना भर भर के ला, लाया जाता था चलिए अब आगे जो है ना वो कुछ आपके एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप उनके आंसर जल्दी जल्दी दे दीजिए मुझे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अगर हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपके पास भारत के अंदर टोटल मिला के अभी चौतीस ऐसे एयरपोर्ट हैं जो इंटरनेशनल है कुनगर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश का है वो थर्टी फिफ्थ है तो मैंने थर्टी फिफ्थ आपको में में मेंशन भी कर दिया है हालांकि अभी इसको डिक्लेयर पूरी तरीके से नहीं किया गया है इसीलिए मैं पहले ही पॉइंट क्लियर कर दे रही हूँ कि भारत के अंदर आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का नंबर आपको पूछा जाए तो आप याद रखिएगा आपके पास आज की डेट में एज ऑन इक्कीस फरवरी दो हजार तेईस आपके पास चौतीस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की संख्या आपकी लगातार बढ़ती जा रही है चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देवी अहिल्या बाई होलकर इंटरनेशनल ये कहाँ पे भारत के कौन से राज्य में स्थित है एमपी के अंदर इंदौर इन लिख लें यहाँ पे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा यहाँ पे श्री गुरु श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है देखो इनको आप डिटेल जो है वो पढ़ लेना मैं फटाफट क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता होना चाहिए श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब के अंदर आपका लोकेटेड है श्री ये तो सेम ही हो गया पंजाब विच सिटी हाउसेज दी लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो गोपीनाथ बॉर्डोली सत्याग्रह आपको याद है, ना? उसी से याद है के अंदर, राइट? विजु ये भी क्या करना है उड़ीसा से भुवनेश्वर से चार किलोमीटर दूर है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ गए अंडमान एंड निकोबार क्यों क्योंकि वीर सावरकर को यहीं पे काला पानी की सजा दी गई थी इसीलिए उनका नाम जो है लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया कैम्पे गोड़ा, कैम्पे गोड़ा है कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है कैंपे कर्नाटक कर्नाटक के लिए बैंगलोर के एयरपोर्ट के लिए ही नाम इसको दिया जाता है बैंगलोर जो है वो आईटी सिटी है सबसे ज्यादा अगर आपका जो बोला जाता है ना कि भाई बहुत ज्यादा किन किन एयरपोर्ट्स पे आपकी भीड़ रहती है तो आपका बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है उस पे बड़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है ये मेन सिटी से तकरीबन तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पूरा पैसा दिया था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है तो आज का तेलंगाना के अंदर राजीव गांधी इंटरनेशनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो एयरपोर्ट है इसी को अभी हाल ही फिलहाल चेंज किया गया था वेस्ट बंगाल करके याद की ये कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर है कभी कभार आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उनकी मेन सिटी से दूरी कितनी है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मेन सिटी यानी कि कलकत्ता से दूरी कितनी है किलोमीटर्स में तो याद रखिए सत्रह कि किलोमीटर ना आपको यहाँ पे लर्न करना है सेवनटीन किलोमीटर्स राइट तुलीहल तुलिहल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है अब तुलिहल जो है वो आपके एमपी वगैरह में तो ऐसे नाम होते नहीं है आप इम्फाल लर्न कर लीजिए इम्फाल जो है वो किसकी राजधानी बोली जाती है ये एयरपोर्ट है राजधानी है किसकी मणिपुर की तो एयरपोर्ट है पूरा नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था इसका ओरिजिनल नाम क्या था ये तो आप सबको पता है बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं टाटा एयरलाइंस करके याद रखिए कांगे टाटा एयरलाइंस 1948 में इसको भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था एयर कार्गो करियर कहाँ पे फाउंड हुए भारत के अंदर एयर कारियर एयर एयर कार्गो करियर मतलब आपका सामान ना एयर से जाना है तो वो कौन सी साल में भारत ने खोजे थे तो 1986 एटी लर्न कर लीजिए आर्टा फ्लाइट जो भारत के अंदर ही शुरू हुई थी लेकिन वो अल्बर्टा कनाडा के लिए थी मतलब इट्स अ चार्टर्ड प्लेन जो कनाडा के लिए जा रहा था कनाडा यूनाइटेड स्टेट ये वो इससे ही कैटेगराइज होके भारत ने अपना एयरलाइन जो है वो शुरू भी किया था इसका भी 1986 निम्नलिखित में से कौन बिजनेस क्लास में डबल बेड लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है जब भी आपने देखा होगा कि कभी कियरप्लास के अंदर आपको वीडियोस वगैरह सरफेस होती हैं तो वहां पे जनरल क्लास अलग होती है इकोनॉमी क्लास और बिजनेस बिजनेस क्लास अलग होती है बिजनेस में भी डिल्स क्लास जो है वो अलग है तो कतर एयरवेज याद रखिए एरोप्लेन के अंदर डबल बेड बिजनेस क्लास ठीक है सबसे महंगी जो सीट होती है वो आपकी डिलक्स बिजनेस क्लास की होती है तो डिलक्स बिजनेस क्लास के अंदर कतर एयरवेज ने पहली बार बेड लाया था इंदिरा गांधी इंटर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है दिल्ली में और याद रख लीजिए दुनिया भारत का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट बोला जाता है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भारत का सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन सा है सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जिसमें जो लोगों की आ, लोगों की आवागमन जो है वो बहुत ज्यादा होती है तो आप याद रखिए कि ये है आपका इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इसमें आपके सत्तर मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो आपके करते हैं और दुनिया भर में ये सत्रहवें सेवनटीन बिजीएस्ट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है सत्तर मिलियन सोचो आप सत्तर मिलियन पैसेंजर जो है वो ये आ, आपका अपडेट मतलब सत्तर मिलियन लोगों को ये यहाँ पे जो ट्रैफिक है हैंडल करता है ट्रैफिक ठीक है एयर ट्रैफिक हैंडल कर रहा है यहाँ पे त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है इसके नाम से ही लर्न कर लीजिए त्रिवनंतपुरम और कोल्लम केरल इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया का हाईएस्ट मतलब ये आपके एल्टीट्यूड से रिलेटेड है दस टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सौ अस्सी बयासी लिखते हैं वैसे इसके लिए अस्सी बयासी का ही कोई डेटा होता है आपका तो दस हजार छ सौ बयासी फीट के ऊपर लद्दाख के अंदर लद्दाख के अंदर कुशौक बाकुला रिमोची रे, कुशौक बाकुला कुशोक बाकुला घर याद रख लीजिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है आपके फैक्ट्स जब आप पढ़ते हो एयरपोर्ट वाले उसमें ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है तो कुशोक बाकुला ये एयरपोर्ट लद्दाख के अंदर लोकेटेड है लद्दाख की ही सिटी की भी मैं बात कर लू कैपिटल की बात कर लू तो लेह की बात कर रहे हैं लेह के अंदर ये लोकेटेड है और दस 10,680 फीट के ऊपर भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बोला जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है नागपुर करके लर्न कर लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है कौन सी जगह पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से जोड़ दीजिए अहमदनगर अहमदाबाद करके अनादराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी जगह पे है पहले आप जगह याद रख लीजिए चेन्नई करके बोला जाता है मिलियन पैसेंजर हैं इसमें और चेन्नई ये ये जो है ना ये भारत का सबसे साफ एक तो मदुरई वाला है जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है भारत का चेन्नई जो है वो सेकेंड बोला जाता है और तीसरे नंबर पे आता है ये बिजी के मामले में 12 मिलियन पैसेंजर का ट्रैफिक ये होल्ड करता है कौन सा चेन्नई करके याद रखिए इसको साउथ की ट्रंक रोड से भी जोड़ा गया है। सांगनेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है तो जयपुर लिख लें सांगनेर वाला जयपुर में ही है ना सांगनेर जो है वो जयपुर दो से पांच मिलियन लोग ही इस पे जाते हैं ट्रैवल करते हैं ट्रैफिकिंग इतना है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई ये इससे पहले इसका नाम क्या था सी एस टी बोला जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ऐसे करके जो आपके छत्रपति शिवाजी जी के महाराज शिवाजी जी महाराज के नाम पे आपके रेलवे टर्मिनल्स एयरपोर्ट्स इनका नाम चेंज किया गया था बस स्टैंड का नाम चेंज किया गया था तो इसको सबसे पहले बोला जाता था शहर राइट सबसे पहले इसको शहर के नाम से जानते थे मतलब ये नहीं आप सी... पूरा पीछे से लर्न करो सबसे पहले ना इसको शहर के नाम से जानते थे शहर एयरपोर्ट बाद में इसको सांता क्रूज एयरपोर्ट का नाम दिया गया और फिर बाद में इसका नाम जो है वो बदल के क्या किया गया छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया राइट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आई ये आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो यही लोग बनाते हैं ठीक है आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं दुनिया भर के लिए बेसिकली ये भारत के लिए नहीं है सिर्फ दुनिया भर में जितने भी आपके जो एयर रूल्स हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं आपने कई मूवीज भी देखी होंगी कि जैसे आपका एयर ट्रैफिक्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है जैसे कोई भी दो प्लेन एक ही आईसो बार वाली लाइन पे नहीं आ सकते हैं मतलब ऐसे नहीं होगा कभी भी ये हमेशा ऐसे करके ट्रैवल करें होंगे यानी कि इनकी डायरेक्शन और इनके रूट जो है वो ऑलरेडी प्री फिक्स होते हैं और ये यह आपका यहाँ पे पूरा कवर किया जाएगा ठीक है तो एसोसिएशन जो है आई जो है वो कहाँ पे बनाया गया था तो आप कनाडा करके याद रखिए कनाडा के अंदर विच एयरपोर्ट हैज बिकम है वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट टू कंप्लीटली ऑपरेट ऑन सोलर सिस्टम बताइए आपकी कौन सी भारत का ऐसा सोलर सिस्टम ऐसा एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से सोलर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है यानी कि आपकी बिजली नहीं खर्च हो रही पूरा सोलर पैनल पे डिपेंड कर रहा है तो कोचीन करके याद रखिए मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर कहाँ पे है कर्नाटक तो यहाँ पे कर्नाटक लिख दीजिए ठीक है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजा भोज कहां से थे एमपी से तो भोपाल करके लिख दीजिए है ना अच्छा ये बताइए विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया चलिए इतना तो क्वेश्चन आपको ये वाला तो आता होगा मैं एक्सपेक्ट करते ये वाला क्वेश्चन आता होगा किस भारतीय राज्य में भार, किस भारत के राज्य में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स का नंबर है इंटरनेशनल डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे इंटरनेशनल यूपी में जो आप पांचवा लिख रहे हो ना भाई साहब पांचवा भी आपका आया नहीं है पांचवा जो है वो जेवर एयरपोर्ट है राइट right. और जेवर एयरपोर्ट अभी आपका बना नहीं है बनना है मैं बात कर रही हूँ ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बताइए जो ऑलरेडी वर्किंग है ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें ऑलरेडी सबसे ज्यादा वर्किंग एयरपोर्ट्स है आदर्श कुशवाहा बिल्कुल केरल करके याद याद रखो भाई क्या क्या उल्टे उल्टे आंसर लर्न करते हो आज अगर कोई एग्जाम हो गया और ये क्वेश्चन आ गया और यूपी ऑप्शन में हुआ और आपने यूपी मार्क कर दिया तो याद रखो फिर तो ना दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी ठीक है चीजें गड़बड़ हो सकती हैं इसलिए चीजों को उतना पढ़ो जितना जरूरी है ये नहीं कि यहाँ पे कुछ ही कुछ आंसर कर रहे हैं थोड़ी सी चीज चलो ये एक्चुअली न्यूज़पेपर में भी आपके इसी तरीके से आ रहा है ना इसलिए ये होगा हो केरल के अंदर आज की डेट में आपके पास चार एयरपोर्ट हैं यूपी में पांच हो जाएंगे जब जेर एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा जेर एयरपोर्ट को अभी जेवर जेवर एयरपोर्ट को अभी बनने में टाइम लगने वाला है विच इंडियन स्टेट हैज दी हाइएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल की बात की दो केरला हो गया केरला के बाद उत्तर प्रदेश जो है वो पांच एयरपोर्ट्स लेके तैयार है अभी थोड़े दिन में अब आप मुझे ये बताओ ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई ना कोचिन केरला का है जो पीपीपी -पी -पी पे बना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा भी है में बड़ा बना है सत्तर मिलियन लोगों का ट्रैफिक होल्ड कर रहा है ये दुनिया का सेवनटीन बिजिएस्ट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है ये सब चीजें समझ आ गई अब मैं आपसे पूछ रही कि इनमें से कौन सा हाइएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट को कौन सा स्टेट आपका रख रहा है इसमें आप क्या रखेंगे आंसर याद महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा डोमेस्टिक एयरपोर्ट आपके अभी फंक्शनल है डोमेस्टिकल ग्यारह या दस टेन टेन डोमेस्टिक एयरपोर्ट है या ग्यारह डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो दस या ग्यारह की रेंज में महाराष्ट्र के अंदर वट इज वर्ल्ड रैंक ऑफ सिविल एविएशन मार्केट ऑफ इंडिया एज ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी 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 टू अब देखिए यहाँ पे 16 से 2016 से भारत की वर्ल्ड रैंकिंग जो सिविल एविएशन के मामले में है, वो तीसरी है अभी भी तीसरी है इनमें से कौन सा पोर्ट ज्वेल ऑफ ऑल पोर्ट कहा जाता है इसका आंसर मैंने आपको बताया है कुछ अभी पुरानी क्लासेस में किस बंदरगाह को सभी बंदरगाहों का गहना ज्वेल ऑफ ऑल एयरपोर्ट कहा जाता है किसको बोलते हो आप ज्वेल ऑफ ऑल एयरपोर्ट किसको बोलते हो मतलब गहना पोर्ट्स का गहना सबसे सुंदर जो है ना वो आपका बोला जाता है तो आपका ज्वेल बोला जाता है किसके लिए बोलते हैं यहाँ पे क्या बात है विशाखापट्टनम याद रखो भाई ऐसे देखो ये ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये फैक्ट्स है इंडिया के ये फैक्ट्स अगर आपको याद नहीं रहे ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा ये है आपके विशाखापट्टनम लार्जेस्ट क्वानिटी ऑफ द आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया थ्रू दोर्ट देखिए पोर्ट्स का मेनली काम क्या है, कि आप का जो है ट्रेड का जो सामान है, है ना लोहा कोयला ये सब कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके लिए शिप्स को यूज किया जाता है ठीक है अब मैं सिर्फ पोर्ट की ही बात कर रही हूँ तो आप याद रखिये ज्वेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं जिसको विशाखापटनम को और उसके अलावा गोवा में लोकेटेड मारमो गो मारमो गाओ मार, गाओ के नाम से जो जाना जाता है ये दोनों एयरपोर्ट जो है वो भारत से लोहे को ट्रांसफर करने का या स्थानांतरित करने का काम यहाँ पे करते हैं सो दैट्स इट फॉर टुडे ये वाला जो पार्ट है इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एयरपोर्ट्स की बहुत सारी थ्योरी है जो भी पार्ट आपके क्वेश्चन के साथ लगा हुआ है एटलीस्ट उतना तो आपको रिवाइज करना ही करना है कल की क्लास का पीडीएफ और आज की क्लास का पीडीएफ मिला लीजिए पूरे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर लीजिए वन एटी के आसपास आपको कल मिल गए थे आज भी आपके 40 कुछ हैं इनको एक बार देख लीजिए पूरा सेगमेंट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए तो दैट अप्रोक्सिमेटली दो सौ बीस के आसपास क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में तो भाई आठ हजार की सीरीज में कम से कम दो सौ से ढाई सौ क्वेश्चन आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में कर चुके हो उसके अलावा वाटर वेस का पूरा चार्ट है एक बार पढ़ लीजिएगा पैंतीस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारत के अंदर उनको पढ़ लीजिएगा ताकि आप उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाओ कि अगर आपको कोई जो है वो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई फलाना जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है तो एटलीस्ट इतना तो हो कि हम ये बता पाए मैं आपसे पूछू यहाँ पे लोकप्रिय गोपीनाथ वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है तो आप बता पाओगी भाई आसाम के अंदर है गुवाहाटी के अंदर है है ना ऐसी आपके मैंगलोर कैम्पे गोड़ा हो गया त्रिवेंद्रम हो गया बाकी तो नाम से रिलेटेड है जैसे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है वाराणसी से रिलेट करता है तो ऐसे करके आपके पास जो लिस्ट है ना उनको एक बार पढ़ लीजिएगा डेबोलिम जो है वो गोवा के लिए बोलते हैं ये पूरा पार्ट तो आज के लिए आपका ये जो सेगमेंट है ना ये ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट यानी कि कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि आपके सोलर थर्मल जो एनर्जी है वो कंप्लीट करा दी जाए अब कल से जो है ना वो भारत के अंदर आपकी जो सोलर थर्मल पावर है उसको फिनिश कर रहे हैं सोलर थर्मल हाइड्रो या न्यूक्लियर सोलर थर्मल हाइड्रो और न्यूक्लियर इन सब क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे उसके बाद डैम्स और रिवर्स को कवर करेंगे तो कल की क्लास पूरी की पूरी इस वाले पार्ट पे हो जाएगी आप ये वाला पार्ट कर लो मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ इन्हीं किसी सेशन के अंदर आपका कंप्यूटर का सेशन भी होने वाला है तो पहले ये इस वीक ये पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं कि कल वेडनेसडे है वेडनेसडे को सोलर थर्मल हाइड्रो न्यूक्लियर कवर हो जाएगा उसके बाद में आपको थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीन दिन रिवर्स के क्वेश्चंस कराऊंगी भारत की नदियां सारा पार्ट कवर करने वाले हैं और उसके बाद डैम्स कवर करेंगे डैम्स होने के बाद नेशनल पार्क्स जो है वो कवर करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कवर करेंगे तो वो पूरा पार्ट आपका चला जाएगा ठीक है तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच आप साइंस की क्लास ज्वाइन कर लीजिए

कवर हो जाए तो केमिस्ट्री के साथ आज की ही टॉपिक आपका केमिस्ट्री आप अलग आने वाला है तनु ठीक है अभी आप इतना ठीक है अभी के लिए गए थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर पीडीएफ आपको क्लास ट्वेंटी एप्लीकेशन पे ही मिलेगी ये वाली तो आप क्लास ट्वेंटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए वहीं से पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट कल एग्जैक्टली सात बजे आप इसी चैनल पे फिर से आ जाइए कल के भी क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार होने वाले हैं थैंक यू सो मच